वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो पार्ट थ्री हम देखेंगे फ्रिक्शन का, दैट इज कॉनिकल पिवट बियरिंग। कॉनिकल पिवट बियरिंग क्या, इससे पहले हमने लेक्चर में देखा था कॉनिकल पिवट बियरिंग क्या होता है। अब उसमें जो जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स, टॉर्क, स्पीड, पावर, वो सब हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ लेट अस, ये हमारा कॉनिकल पिवट बियरिंग, ये बियरिंग है शाफ्ट के एंड पॉइंट पे ऐसा कुछ बना होगा कोन शेप में, तो बियरिंग में भी ऐसा कुछ कोन शेप में बना होगा एक्सियल थ्रस्ट को रिमूव करने के लिए। ओके, तो ये देखो, तो ध्यान देना, फिगर को समझो, कॉनिकल है। ओके, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस, रेडियस ऑफ द शाफ्ट इज द कैपिटल आर, डब्ल्यू इज द लोड एक्टिंग ऑन द बियरिंग बोलो या फिर लोड एक्टिंग ऑन द शाफ्ट। ओके, अब जो कोन का जो लेंथ है, दैट इज एल से हम दिखा रहे हैं, और ये जो कोन पार्ट जो टच है हमारे बियरिंग से, शाफ्ट का कोन पार्ट जो टच है, उसके कारण जो नॉर्मल प्रेशर एक्ट हो रहा है, दैट इज पी एन। ओके, और ये जो कोन का जो ये एंगल है, दैट इज टू अल्फा। ओके, अब हम करेंगे क्या, एक एलिमेंट्री एरिया कंसिडर किए, दिस हमने एक एलिमेंट्री एरिया कंसिडर किया, जिस पे हम अगर निकाल लिए इसका टॉर्क निकाल लिए, तो हम उसको टोटल कर देंगे इंटीग्रेट करके, तो हमारे पूरे का जहाँ पे टच है पूरे का हमारा निकल आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। लेट पी एन इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर नॉर्मल टू द कोन, कोन जो बना हुआ है ये कोन पे जो प्रेशर नॉर्मल एक्ट हो रहा है, दैट इज पी एन। अल्फा इज द सेमी एंगल ऑफ द कोन, ये फुल एंगल है 2 पाई, तो अल्फा इज द सेमी एंगल ऑफ द कोन। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, टच है तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। आर इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट, आर इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट, एंड डब्ल्यू इज द फोर्स लोड एक्टिंग ऑन द शाफ्ट और द बियरिंग। ओके, नाउ कंसिडरिंग अ स्मॉल रिंग ऑफ रेडियस आर, इसका हमने यहाँ पे किया, इस बाहर का पार्ट, आउटर और इनर पार्ट, तो हमने एक आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस पे हमने एक एलिमेंट्री रिंग कंसिडर किया जिसका थिकनेस डी आर है यहाँ पे। ओके, अगर साइड से देखे तो यहाँ पे, टॉप से देखे तो ऐसे। ना कंसिडरिंग ए स्मॉल रिंग ऑफ रेडियस आर एंड द थिकनेस डी आर, लेट डी एल इज द लेंथ ऑफ द रिंग एलोंग द कोन, ये डी एल लेंथ ऑफ द रिंग एलोंग द कोन। ओके, नाउ सच दैट डी एल इज इक्वल टू डी आर कॉसेक अल्फा, डी एल इज इक्वल टू डी आर कॉसेक अल्फा हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ द रिंग, रिंग की एरिया क्या हो जाएगी जो हमने किया, 2 पाई आर डी एल, क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी आ रहा है, तो 2 पाई आर डी एल विच इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर कॉसेक अल्फा, तो हमारा एरिया हो गया। अब हम दो केस लगाएंगे, फॉर कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर और कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म बियर, दो केस से हम कैलकुलेट करेंगे। जब यूनिफॉर्म प्रेशर एक्ट हो रहा है, जब आपका शाफ्ट यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा होगा, तो यूनिफॉर्म प्रेशर एक्ट होगा वहाँ पे, तो जब यूनिफॉर्म प्रेशर एक्ट होगा तो उसके लिए नॉर्मल लोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो लोड लग रहा है, डेट इज डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू लोड इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इस पे कौन सा, नॉर्मल प्रेशर एक्ट हो रहा था, नॉर्मल प्रेशर इंटू 2 पाई आर डी आर कॉसेक अल्फा एरिया, एंड वर्टिकल लोड एक्टिंग, नॉर्मल लोड दिस एंड द वर्टिकल लोड दैट इज डेल डब्ल्यू एन, तो वर्टिकल लोड जो एक्ट होगा दैट इज डेल डब्ल्यू स्टार, इट इज डेल डब्ल्यू एन नॉर्मल इंटू साइन अल्फा, क्योंकि देखो वर्टिकल इसलिए क्योंकि ये हॉरिजेंटल से अल्फा बना रहा है, आप देखोगे तो हॉरिजेंटल से अल्फा बना रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, तो जो लोड आपका हॉरिजेंटली लग रहा है, ठीक है, वो वर्टिकल कंडीशन में साइन अल्फा में हो जाएगा। देयर फॉर पी एन 2 पाई आर डी आर कॉसेक अल्फा इंटू साइन अल्फा, देयर फॉर डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एन इंटू 2 पाई आर डी आर, साइन ये कॉसेक अल्फा का वन क्या होता है, 1 बाई साइन, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, तो लोड आ गया जो हमारा, जो उस पे रिंग पे जो लोड लग रहा है वो हो रहा है, डेट इज पी एन 2 पाई आर डी आर। ओके, देयरफॉर टोटल लोड, टोटल लोड अगर निकालना हो तो हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है कहाँ, 0 से R तक का, क्योंकि रेडियस ऑफ शाफ्ट R तक है, तो इसको इंटीग्रेट किए, पुट किया वैल्यू हमने, इसे इंटीग्रेट किया 2 पाई पी एन तो बाहर हो गया, ये R को इंटीग्रेट करेंगे तो R स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो और R से 0 इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर बाई 2 हो गया। देयरफॉर W, कैपिटल W क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई पी एन इंटू R स्क्वायर। देयरफॉर जो नॉर्मल प्रेशर हो रहा, नॉर्मल प्रेशर का फॉर्मूला निकाला, नॉर्मल प्रेशर का फॉर्मूला हो गया डब्ल्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर फॉर यूनिफॉर्म कंडीशन के लिए। हमने पी एन निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, सेम जैसे उसमें किया था, फ्रिक्शनल
फोर्स निकालेंगे एक्टिंग ऑन द रिंग. तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग दैट इज म्यू इनटू डेल डब्ल्यू एन. तो डेल डब्ल्यू एन हमारा आया था पी एन टू पाई ए. डेल डब्ल्यू एन कितना है नॉर्मल नॉर्मल के लिए दिस. देयरफॉर हमने क्या किया यहाँ पे नॉर्मल के लिए हमने पुट किया म्यू इनटू डेल डब्ल्यू एन का फॉर्मूला पी एन टू पाई आर डी आर कॉसेक अल्फा. ओके देयर एंड फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग. फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू रेडियस. तो फ्रिक्शनल फोर्स दिस इनटू रेडियस. तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर स्क्वायर हो गया. देयरफॉर टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क कितना हो जाएगा. टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क हो जाएगा आपका जो फ्रिक्शनल टॉर्क आया है ऑन द रिंग पे उसको इंटीग्रेट करते जीरो से आर तक में. तो इस फॉर्मूला को इंटीग्रेट करेंगे टू पाई म्यू पी एन कॉसिक अल्फा तो बाहर हो गया. ये आर स्क्वायर आर क्यूब बाई थ्री हो जाएगा. तो ये जीरो से आर इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल आर क्यूब अपॉन थ्री हो जाएगा. देयरफॉर ये टू बाई थ्री एक तरफ हो गया पाई म्यू पी एन कॉसिक अल्फा आर क्यूब. ठीक है नाउ सब्स्टिट्यूट पी एन. अब जो आपका पी एन आया था यहाँ पे पी एन दैट इज डब्ल्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इसको पुट करना है यहाँ पे पी एन. पी एन की जगह पे पुट करें. जब पुट करेंगे पी एन की जगह पे तो आपका टू बाई थ्री म्यू डब्ल्यू आर बचेगा दो आर कट जाएगा आर. ठीक है कॉसेक अल्फा. इफ साइलेंट लेंथ एल इज नोन. इफ साइलेंट लेंथ एल इज नोन देन एल इज इक्वल टू आर कॉसेक अल्फा. Therefore, 1 t is equal to 2 by 3 mu w l. Okay? Because a length is equal to r r cosec alpha. क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया है कि length is equal to dr cosec alpha और dl के लिए तो total length के लिए r cosec alpha. तो therefore r cosec alpha को हमने l लिख दिया. तो हमारा uniform case में pivot bearing का जो torque आ रहा है 2 by 3 mu w l. ठीक है uniform प्रेशर थ्योरी के लिए कंडीशन में यूनिफॉर्म वियर कंडीशन में आएगा हमारा 1 बाई टू इंटू म्यू डब्ल्यू एल. म्यू डब्ल्यू एल म्यू डब्ल्यू एल सेम 2 बाई थ्री 1 बाई टू. बट इन आप देखोगे ध्यान से सेम फॉर्मूला बनता है हमारा. हमने जो पिवट वियरिंग के लिए भी देखे पिवट वियरिंग के लिए यूनिफॉर्म प्रेशर में आया था 2 बाई थ्री म्यू डब्ल्यू आर और इसमें आया था 2 बाई थ्री म्यू डब्ल्यू आर 1 बाई टू म्यू डब्ल्यू आर. तो 1 बाई टू 2 बाई थ्री ऐसे ही चलता है. तो फॉर्मूला बहुत बस मेन फॉर्मूला याद कर लो. कभी कभी डेरिवेशन पूछता है अदरवाइज न्यूमेरिकल ही पूछता है. ओके तो कॉनिकल पिवट बियरिंग के लिए अब हम यूनिफॉर्म वियर कंडीशन के लिए देखते हैं. यूनिफॉर्म वियर कंडीशन के लिए पी आर इंटू आर इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट. तो पी आर इज इक्वल टू सी अपॉन आर हो जाएगा. देयर फॉर लोड ट्रांसमिटेड टू द रिंग डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी आर इंटू टू पाई आर डी आर एरिया दैट इज पी आर की जगह पर हमने सी बाई आर पुट किया. डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू आर से आर कैंसिल टू पाई सी डी आर. ओके देयर फॉर टोटल लोड ट्रांसमिटेड इसको इंटीग्रेट कर दे जीरो से आर तक. टू पाई सी बाहर हो गया डी आर था यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो आर जीरो से आर इंटीग्रेट तो कैपिटल आर हो जाएगा. देयरफॉर अब सी को एक तरफ रखें बाकी टर्म को इधर भेज दें. ओके नाउ फ्रिक्शनल टॉर्क क्या हो जाएगा. अभी हमने देखा फ्रिक्शनल टॉर्क का फॉर्मूला दैट इज टू पाई म्यू पी आर कॉसेक अल्फा आर स्क्वायर डी आर. अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था फ्रिक्शनल टॉर्क. फ्रिक्शनल टॉर्क का फॉर्मूला दैट इज टू पाई म्यू पी एन कॉसेक अल्फा आर स्क्वायर डी आर कैलकुलेट किया था यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन में. देयरफॉर ये हुआ. ठीक है अब जहाँ पे सी है टू पाई म्यू पी आर. पी आर की जगह पे हमारा पी आर की कितना पी आर इज इक्वल टू पी आर इज सी बाई आर था. पी आर की जगह पे हमने सी बाई आर रखा तो एक आर से एक आर कैंसिल. तो हमारा जो टॉर्क आया वो आया दैट इज टू पाई म्यू सी कॉसेक अल्फा आर डी आर. ओके देयरफॉर टोटल क्या हो टोटल ये तो हमारा फ्रिक्शनल ऑन द रिंग पे आया. टोटल को जीरो से आर तक इंटीग्रेट कर दें. इस इक्वेशन को हमने पुट किया इक्वेशन 2 पाई म्यू सी कॉसेक अल्फा तो बाहर हो गया आर बचा तो आर स्क्वायर बाई टू और जीरो से आर इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू हो गया. तो टॉर्क हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल पाई म्यू सी कॉसेक अल्फा आर स्क्वायर. अब सी जो आपने किया था सी की वैल्यू पुट करें. सी जो आपने यहाँ पे निकाला था यूनिफॉर्म में सी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टू पाई आर. तो यहाँ पुट करें सी की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे डब्ल्यू अपॉन टू पाई आर तो आर से आर कैंसिल पाई से पाई कैंसिल तो 1 बाई टू म्यू W एक R और कॉसिक अल्फा और R कॉसिक अल्फा होता है L. देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू 1 बाई टू म्यू डब्ल्यू एल. ओके फॉर यूनिफॉर्म वियर के लिए 1 बाई टू म्यू डब्ल्यू एल और फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए 2 बाई थ्री म्यू डब्ल्यू एल. ठीक है तो ये दो फॉर्मूला हमारा याद. अब बाई चांस अगर प्रेशर पावर बोल दे कैलकुलेट करने के लिए तो पावर क्या हो जाएगा 2 पाई एन टी अपॉन 60. टी कैलकुलेट करो टी की वैल्यू यहाँ पुट करो एन स्पीड दिया है तो स्पीड पुट करो आपका पावर निकल आएगा. पावर दिया हुआ कभी क्वेश्चन में टी आप निकाल लो
एन निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा प्रेशर थ्योरी से और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से, दोनों थ्योरी से, ठीक है। तो ऐसे इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ट्रेपेजॉइडल पिवट बेयरिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतने ही।